हेलो गाइज, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइज, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल फॉर लेटेस्ट शेयर मार्केट वीडियो। अब मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, हम इस वीडियो में बात करेंगे HFCL लिमिटेड, जो कि जबरदस्त कंडीशन में आज की बात करें तो करीब करीब 6% का जंप इसमें देखा गया था। आज के हाई की बात करें 45.75 रुपये आज का, या लो की बात करें 43.50 रुपये इसका आज का लो है। 52वीं हाई की बात करें 51.40 रुपये इसका 52वीं हाई है। लो की बात करें 10.10 रुपये इसका 52वीं लो है। मैक्सिमम की बात करते हैं गाइस, तो मैक्सिमम की बात करें तो करीब करीब जो कि 2150 रुपये के आसपास का सेव हुआ करता था मार्च 2000 में, और एट प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ आपको 45 रुपये के आसपास इसका फ्लक्चुएशन मार्केट में मिल रहा है। काफी जबरदस्त कंडीशन में है गाइस अभी एट प्रेजेंट अगर बात करें तो, क्योंकि काफी सारी न्यूज इसकी आ रही है, चाहे डिविडेंड से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, चाहे जो कि जो फाउंडर का जो स्टेटमेंट हो, काफी सारी न्यूजें जो कि न्यूज़ अभी जो मार्केट में काफ़ी सारी न्यूज़ फ्लैश हो रही है। आज भी एक न्यूज़ आई है जिसकी वजह से जो कि इसमें जंप देखने को मिला है वो काफ़ी बड़ा, करीब करीब 6% के आसपास इसमें जंप देखने को मिला है। सो गाइस, अगर बात करें आज की न्यूज़ की तो काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है ऑफकोर्स, जो कि काफ़ी जो कि बेनिफिशियल है HFCL को लेके। तो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलें, अदरवाइज एक लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ मिस कर जाएंगे। तो गाइस, इसके अलावा इसके फाइनेंशियल की बात करें तो गाइस चीज़ें काफ़ी ज़बरदस्त हैं। इवन अगर बात करें इसके स्पॉट एनालिसिस की तो 12 स्ट्रेंथ, इट मींस की स्ट्रेंथ से भरा हुआ शेयर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, MACD क्रॉसओवर अबव सिग्नल लाइन, गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन रिसेंट रिजल्ट, ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर, कंपनी विथ लो डेप्ट। सबसे बड़ी चीज की कंपनी के ऊपर डेप्ट काफी लो है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 4 quarters, इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 4 quarters, एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 years, बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 years। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर होल्डिंग इंक्रीज हुई है स्टॉक एंड मोर देन 20% इन 1 month, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राइस अबाउट शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वीकनेस की बात करें, लो पाइटर्स की स्कोर, कंपनीज विद वीक फाइनेंशियल, कंपनीज विद हाई प्रमोटर प्लेज एंड अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो 3 opportunities भी है। राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज कंपेयर टू प्रीवियस डे मंथ एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, हाइएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 week, वीक लो RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ। एंड अगर बात करें थ्रेट की तो एक थ्रेट भी नजर आ रहा है। सो इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, और आज की बात करें तो अभी भी क्वांटिटी जो कि बाय करने के लिए लगी हुई है, इवन काफ़ी मोटी क्वांटिटी अभी भी बाय करने के लिए लगी हुई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो कि पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, इसको ऊपर ले जाना ऑफकोर्स, जो कि अभी जो जिस तरीके की न्यूज़ आ रहे हैं जो आ रही है मार्केट में, उन न्यूज़ को देखते हुए ऊपर जाना तय है। तो गाइस, इसके अलावा अगर बात करें इसकी जो कि न्यूज़ जो कि इसके सेंटिमेंट की, तो 79% बाय, 9% सेल एंड 12% होल्ड करने का सेंटिमेंट अभी नज़र आ रहा है। अगर बात करें फाइनेंशियल की तो फाइनेंशियल भी काफ़ी इवन स्ट्रॉन्ग है। अगर बात करें रेवेन्यू की तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि मार्च टू मार्च यहाँ पर जो जंप हुआ है वो करीब करीब 2 गुना से भी ज़्यादा जंप यहाँ पर आपको देखने को मिला है। अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ऑफकोर्स जो कि यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में भी सेम सिचुएशन है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त, करीब करीब यहाँ पर अगर कंपेरिजन करें ईयर ऑन ईयर तो करीब करीब मोर देन 10 गुना यहाँ पर जो कि उछाल देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में। अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी जो कि उछाल देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो सेम सिचुएशन अर्निंग पर शेयर में भी नजर आ रही है। एंड बात करें होल्डिंग की तो प्रोमोटर होल्डिंग जो कि 42.05% होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग की बात करें 55.7% होल्डिंग है। अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की 2.18% होल्डिंग यहाँ पर नजर आ रही है। एंड इसके अलावा जो कि ऑफकोर्स जो कि 0.07% यहाँ पर जो कि हल्का सा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी है। एंड इसके अलावा म्यूचुअल फंड की बात करें तो होल्डिंग इंक्रीज हुई है मार्च क्वार्टर में। एंड बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की तो एक अच्छे खासे इंक्रीमेंट के साथ जो कि यहाँ पर जो कि अच्छा खासा इंक्रीमेंट यहाँ पर लिया है और होल्डिंग ज़्यादा इंक्रीज की है। तो गाइस, इसके अलावा अगर बात करें PS कंपनी की तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं तो करीब करीब यहाँ पर तीसरा नंबर जो कि HFCL का ही आ रहा है, इंडस टावर प्लस AGC नेटवर्क्स के बाद अगर बात करें तो HFCL का ही नाम है। एंड इसके अलावा अगर बात करें इसकी सेल के अलावा अगर बात करें इसकी जो
मार्केट कैपिंग की, तो मार्केट कैपिंग में भी तीसरा नंबर आ रहा है इंडस टावर और आईटीआई के बाद। एंड अगर बात करें प्रॉफिट के उससे, तो गाइस दूसरे नंबर पर एचएफसीएल है ऑफ कोर्स, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन में है। तो गाइस नो डाउट कि ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी हाई हैं एचएफसीएल के। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अगर इसकी न्यूज़ की बात करें, तो एक न्यूज़ जो कि डिविडेंड जो कि इसने रिकमेंड किया था, जो कि 15 पैसे डिविडेंड, जो कि इसकी एजीएम होगी, एजीएम के 30 डेज के बाद ये पेमेंट होगी, जो कि जो भी इसके शेयर होल्डर होंगे, जो कि अभी वेट है, तो एजीएम का वेट है कि वो एजीएम कब होनी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूज़ की बात करें, तो काफ़ी सारी न्यूज़ जो कि फ्लैश हुई थी एक कुछ टाइम पहले, अगर फैब की बात करें, जो कि मैंने एक वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचाई भी दी है, एचएफसीएल की एक न्यूज़ है, जो कि क्वालकॉम के साथ एक बड़ा जो कि हैंड ज्वाइंट हैंड हुआ था, काफ़ी ज़बरदस्त ये जो कि डील हुई थी, एचएफसीएल ज्वाइंट हैंड विद क्वालकॉम टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इट्स वाईफाई 6 पोर्टफोलियो प्रोडक्ट। सो गाइज एचएफसीएल लॉन्च न्यू रेंज ऑफ वाईफाई 6 प्रोडक्ट। सो गाइज काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रही है। तो गाइज मेरा मानना यह है कि अभी भी इसको इकट्ठा कर सकते हैं, अभी जो प्राइस है इसमें भी कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से भी लेना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें एक न्यूज़ जो कि जो इसका जो Q4 का रिजल्ट आ चुका है, जो कि हर जगह फ्लैश हुआ था, जो कि सेकंड वीक ऑफ मई ये रिजल्ट आया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें इसकी एक न्यूज़ जो कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, आज ही अनाउंस हुई है, HFCL टू पार्टिसिपेट इन PLI फॉर टेलीकॉम नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। सो गाइस काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है, जो कि आज ही फ्लैश हुई है हर जगह पर। HFCL सप्लाइज टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड फाइबर ऑप्टिक्स टू मोस्ट ऑफ द करंट इंडियन ऑपरेटर्स। सो गाइज ये काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है HFCL की तरफ से। डोमेस्टिक टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड फाइबर ऑप्टिक कंपनी HFCL हैज़ डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम फॉर टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस इज एक्सपेक्टेड टू कम आउट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज विद द फाइनल डिटेल्स ऑफ द ₹12,195 crore PLI स्कीम फॉर टेलीकॉम, विच इज ऑफरिंग इंसेंटिव ऑफ बिटवीन 4-6% टू एलिजिबल कंपनीज फॉर 5 years, कंफर्मिंग द डेवलपमेंट। एंड HFCL चेयरमैन मेन नाता सेट, वी विल श्योरली पार्टिसिपेट इन being eligible for the PLI scheme on telecom equipment which is mean to। so guys ये काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है, अगर PLI scheme में यहाँ पर जो कि eligible हो जाती है, तो guys यहाँ पर जो एक incentive scheme जो 4-6% जो कि next 5 year के लिए ये एक incentive scheme, तो exactly PLI scheme होता क्या है, तो PLI scheme जो कि पुश करना, जो कि ऑफकोर्स जो कि काफ़ी ये चीज़ें जो कि ज़रूरी है अभी जो कि इंडियन मार्केट के लिए, तो PLI स्कीम में मेड इन इंडिया पुश। सो गाइज एग्जैक्टली होता क्या, व्हाट्स द स्कीम, इट विल ऑफर गियर मार्केट्स मेकर्स एनुअल नेट एनुअल कैश इंसेंटिव ऑफ 4-7% ऑन एनी इंक्रीज इन सेल्स ऑफ लोकली मेड इक्विपमेंट ओवर द नेक्स्ट 5 years कंपेयर्ड विद 19-20 लेवल। सो गाइज ये जो कि सेल को इंक्रीज करना, मेड इन इंडिया को पुश करना, ये सारे इसके ऑब्जेक्ट है। सबसे इवन जो कि बाहर से ये जो कि चीज़ें बाहर से ना आए, यहाँ पर इंडिया में ही बने, उसमें इंसेंटिव स्कीम दी जाती है। सो गाइस ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू मेक इंडिया एन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हब, क्रिएट जॉब्स एंड कट इम्पोर्ट्स स्पेशली फ्रॉम चाइना, एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ सेटिंग इम्पोर्ट ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट वर्थ मोर देन 50,000 crore, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन ₹2.4 trillion वर्थ ऑफ इक्विपमेंट इन नेक्स्ट इन 5 years। सो गाइज ये नेक्स्ट पाँच साल के लिए जो कि स्कीम दी जाती है, जो जिसमें ऑफकोर्स जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा, जो कि एक तरह से जो कि जो ये जो छूट दी जाती है PLI स्कीम में 4-7% के आसपास जो इंसेंटिव स्कीम होती है एक तरह से, तो काफ़ी बेनिफिशियल होगी HFCL इसमें, अगर HFCL का नाम आता है तो वो जो कि स्टेटमेंट ऑलरेडी आ चुका है जो कि नाता जी से, जो कि अप्लाई करेंगे PLI स्कीम के लिए, तो अगर एलिजिबल होते हैं तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी HFCL के लिए, HFCL के शेयर होल्डर के लिए। सो गाइस काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं, प्रॉफिट हो, डिविडेंड हो,
क्वालकॉम से पार्टनरशिप हो या फिर पीएलआई स्कीम्स में एंट्री हो या फिर और कितने स्टेटमेंट हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव नज़र आ रही है। इवन अभी से ही इसको लेना स्टार्ट कर देना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके, और एक अच्छा खासा आप एक शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।